हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल ओके. टुडे आई एम गोइंग टू मेकिंग यू अंडरस्टैंड क्लास सेवेंथ मैथ सब्जेक्ट, पेज नंबर 116, चैप्टर नंबर 7. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस इज फर्स्ट नंबर. बाय फोल्डिंग पेपर लेट्स फ्रॉम द एंगल 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ये फोल्डिंग पेपर में करने के लिए बोला है. ये एग्जाम में भी नहीं आता है, तो मैं आपको नहीं बताती हूँ. देन सेकंड नंबर, एट अ पॉइंट ए ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी लेट्स द कंस्ट्रक्ट ऑफ द एंगल 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ स्केल, पेंसिल एंड कंपास. फर्दर लेट्स कंस्ट्रक्ट 120 डिग्री, 75 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल द सेम पॉइंट में आपको 90 डिग्री, 125, 75, 60 ये सभी एक ही पॉइंट में आपको करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बोला है यहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जो कोई मेजर का नहीं बोला है. एक कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, इसका नाम दे दिया है ए एंड बी. ओके, देन इसमें बोला है 90 डिग्री पहले करिए. तो 90 डिग्री के लिए हम सबसे पहले एक मेजर ले लेते हैं, ठीक है. कोई भी एक मेजर हमने ले लिया, चाहे आप छोटा कर लीजिए, चाहे इसको बड़ा कर लीजिए और बड़ा कर लीजिए, व्हाट एवर यू वांट टू डू. ओके, देन मैंने एक मीडियम साइज लिया है 90 डिग्री के लिए. कोई भी एक मेजर लेके आप इसके ऊपर में, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट के ऊपर में आपको बहुत ही स्थिर माइंड से करना है. ये पूरा हाफ सर्कल अपने करेंगे, ठीक है, हो गया. अभी यही मेजर को आपको हिलाना नहीं है. यही मेजर से आपको ये इधर काटना है, फिर यही मेजर से आपको यहां काटना है, और फिर इन बिटवीन. ओके, इसको देन इसको, तो यहां कटा नहीं, तो एक बार और आगे से काट लेते, ठीक है. ये हो गया 90 डिग्री. देखिए एकदम 90 डिग्री, ठीक है. एकदम 90 डिग्री हो गया, ठीक है. अभी ये हो गया 160 डिग्री. ये हो गया जो सबसे पहले आप मेजर करेंगे ना, तो मेजर का जो पहला पॉइंट ये आया है ना, ये 60 डिग्री होगा, और इसके बाद ये वाला जो आपने किया है ये होगा 120. तो ये 60, ये 120 और ये है 90. तो इसके बाद में बोला है 75. तो हम पहले यहां पर आप लाइन टान सकते हैं, लेकिन मैं लाइन टानूंगी तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए पहले हम ओनली 60 डिग्री का लाइन टानते हैं, ठीक है. ये देखिए एक पॉइंट ये है, इसके बाद ये पॉइंट है, उसके बाद आप एक तो पॉइंट कर लीजिए, ठीक है. तो ये 60 नाम दे देती हूं. ए बी, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये ओ हो गया, ठीक है. तो एंगल डी ए बी इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, ठीक है. तो लिख देते हैं एंगल ए डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, एंगल ये वाला भी अभी कर देते हैं, अपने 120 डिग्री बोला ही है, तो अपने 120 डिग्री भी कर देते हैं, ठीक है. ये देखिए यहां से मेजर लिया, इसका पॉइंट में मिलाया और ऊपर से अपने दोनों को काटते हुए मिला देते हैं, ठीक है. तो ये ओ ए बी, ये ओ ए बी, ओ ए बी कितना हुआ, 120 डिग्री. ओके, एंगल ई ए बी, ई ए बी इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ 60 डिग्री. तो दोस्तों 75 करने के लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ठीक है. ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री
है ना, ये 60 है, अगर ये 90 है तो 90 से अगर 60 को माइनस करते हैं तो कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री है ना। तो ये दोनों 30 डिग्री, ये दोनों के बीच का जो है वो 30 डिग्री है। अगर हम 60 प्लस 15 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो हमें ये दोनों के बीच में डी ए बी और ई ए बी के बीच में एक और अपने को करना है, ये 30 का अगर हाफ करेंगे तो 15 मिल जाएगा अपने को, 15 डिग्री, तो हो जाएगा 75 डिग्री। तो चलिए करते हैं, एक और मेजर लेते हैं, ये दोनों के बीच में, सिर्फ ये दोनों के बीच में हमको एक मेजर लेना है, ठीक है, एक छोटा सा मेजर ले लेते हैं, ये एक, ये एक, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट से यहां एक काटेंगे और इसके बाद ये एक पॉइंट को काटेंगे, ठीक है, कट गया। तो ये हो गया आपका 75 डिग्री, समझ में आया ना दोस्तों, मैंने जैसे आपको समझाया, ये इसको मिला देंगे तो इसका नाम हम दे देंगे M, ठीक है। तो यहां पर एक हो जाता है ये एंगल ए डी ए बी 90 डिग्री, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री, और एंगल ई ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल एम ए बी, एंगल एम ए बी इक्वल टू 75 डिग्री। देखिए ये जो है, ये सिर्फ ये एम ए बी सिर्फ देखेंगे 75 मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज 60 प्लस 15, मैंने क्या बोला, 60 प्लस 15 इक्वल टू 75 डिग्री, ओके, ये हो गया। अभी इसमें नहीं बोला है कि आपको डी से देखना है, ठीक है, तो डी से देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, तो सेकंड नंबर करते हैं, थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में आता है यूजिंग स्केल पेंसिल एंड कंपास, लेट्स कंस्ट्रक्ट द एंगल 45 एंड 22 एंड हाफ डिग्री। हमको इसमें दो करना है, ठीक है, चलिए करते हैं। पहले इसमें भी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले एक विदाउट एनी मेजर यू हैव टू डू लाइन सेगमेंट, ओके, दैट्स नेम इज ए एंड बी, ओके, देन मैंने जैसे इसमें बताया था पहले वाले में, एंगल को करने के लिए आपको थोड़ा सा एक मेजर लीजिए कोई भी और 90 डिग्री कर दीजिए, ठीक है, पूरा नहीं कर रही हूं क्योंकि बहुत गंदा लगता है, एक साथ में सब क्रॉस क्रॉस दिखेगा, आपको दिख नहीं पाएगा, ठीक है। ये जो पहला क्रॉस है ये 60 डिग्री आता है, ठीक है, एंड ये इसके साथ में इसको काटते हैं, फिर इसके साथ में इसको काटते हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका पूरा 90 डिग्री, ठीक है, ये पूरा आपका क्या आ गया 90 डिग्री, देखिए। लेकिन इसमें बोला नहीं है 90 डिग्री को करने के लिए, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया। अभी ये 90 डिग्री को अपने दोनों में से हाफ करेंगे, देखिए 90 को अगर हम दो के साथ में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 45 डिग्री, है ना, देखिए 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसके इसके साथ में इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 45 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा और मेजर लेते हैं, एक मेजर लिया, ये दोनों के बीच में अब काटना है, ठीक है, ये एक मेजर, ये एक मेजर, देन बहुत ही सावधानी से करिएगा, ये एक इसको कर दिया, एक इसको काट दिया, ठीक है, अभी इसको मैच कर देते हैं,
अभी हमको बोला है 45 डिग्री, ये मिला हमें 45 डिग्री, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं सी, सी ए बी और एंगल बी ए सी, कुछ भी बोलिए आप, है ना। और अभी बोलते हैं ये 45 से अगर हम वापस से 45 को 2 डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 2 काटना ये, 2 2 जा 4 एंड 1, तो कितना हुआ 22 एंड हाफ ना। जैसे ये दोनों के बीच में ये काट के अपने 45 किए हैं, वैसे ही अभी ये एंगल सी ए बी को काट के 22 एंड हाफ करना है, ठीक है। फिर से एक ठो कोई भी मेजर ले लेते हैं हम, कोई भी एक, छोटा हो बड़ा हो जैसा आपको मर्जी वैसा आप ले लीजिए, मैं छोटा लूंगी क्योंकि एक मेजर हो चुका है मेरा, ठीक है। ये एक हुआ, एक ये हुआ, आपको लाइन याद रखना है किससे क्या काट रहे हो। ये यहां से काटा एंड ये अपने को एक पॉइंट मिल गया ना, ये अपने को पॉइंट मिल गया। अभी इसके साथ में अपने मिला देने से ये देखिए, ये हो गया 22 एंड हाफ डिग्री, तो इसका नाम हम दे देते हैं डी, ठीक है। तो ये लिख देते हैं एंगल ए सी ए बी, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू 22 एंड हाफ डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे इसमें बोला है, जैसे जैसे आपने किया है वैसे यू कैन राइट इट आल्सो, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 4, यूजिंग स्केल पेंसिल एंड कंपास लेट्स ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 75 105 120 135 150 एंड 15। तो सबको अलग 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 करके आपको करना है, तो चलिए इसको करते हैं। इसमें अलग नहीं बोला था, एक में करना था इसीलिए हमने एक में किया, इसमें भी एक में किया, अभी इसमें अलग अलग बोला है, तो चलिए करते हैं। फिर से एक लाइन सेगमेंट लेते हैं कोई भी, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए एंड बी, ओके। अभी इसमें कितना नंबर बोला है, 30, तो 30 डिग्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहां पर 30 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। आप साइड में एक 30 डिग्री कर लीजिए प्रोटेक्टर के साथ में, ये डी के साथ में मैं करूंगी। ये देखिए यह हो गया, खूब इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं कि ज्योमेट्री देख के ही डर जाते हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट है ज्योमेट्री से बहुत डरते हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है, उन्हें जब मैं समझा देती हूँ तो वो फिर इजी उनको लगता है। तो यहां से आपने मेजर किया 30 डिग्री, ठीक है, तो इसको हमने मैच कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो हम यहां से एक मेजर इसका ले लेते हैं, यहां पर भी वैसे ही कर देंगे इसके साथ में इसका मेजर लेके, अभी इसका मेजर जो यहां से कटा है इसका मेजर आपको लेना है, तो बस आपका यहां पर भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एकदम 30 डिग्री, तो यहां से आप लेकर डिग्री आपका यहां पर भी हो जाएगा।
ये जो है एकदम बढ़िया से शांत दिमाग करके करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अभी डी से माप लेते हैं। देखिए एकदम 30 डिग्री है, देखिए है ना, बिल्कुल 30 डिग्री हुआ है। देखिए एकदम 30 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री हो गई। अभी क्या बोला है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मैंने आपको बताया है किस तरह करना है, वही प्रोसेस आपको करना है 60 डिग्री के लिए। एक मेजर, कोई भी मेजर कर लीजिए, वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेजर हुआ ये 60 डिग्री। गलती होगी, मैं यहां पर वापस से आपको करके दिखा देती हूँ। लाइन टानने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखा, थोड़ा सा मिस्टेक होने से आपका पूरा ज्योमेट्री बर्बाद है फिर, है ना। तो 60 डिग्री का एक मेजर लिया मैंने, कोई भी एक मेजर लिया, ठीक है। उसके बाद में इधर से इसको जो काटेंगे वही 60 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, एक पॉइंट, एक पॉइंट को मिला दिया, आपका हो गया 60 डिग्री। आप डी के थ्रू देख सकते हो, देखिए एकदम 60 डिग्री है ना। अभी चलते हैं, कौन सा बोला है 60 डिग्री, आप नाम दे दीजिए ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एंगल, इसमें भी आपको नाम दे देना है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री। अभी नेक्स्ट बोला है 60 डिग्री हो गया, अभी 75 डिग्री बोला है, तो 75 के लिए आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया 90 डिग्री करके, ये जो मैंने आपको बताया था 90 डिग्री करके उसको 60 करके उसके बीच में जो डिफरेंसेस आएंगे उसको आपको काटना है, वो हो जाएगा आपका 75। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगी, जैसे मैंने 30 डिग्री करा है वैसे आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ठीक है, एक एंगल, एक लाइन सेगमेंट लिया मैंने, इसके बाद में ये एक अपने 60 डिग्री करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया, ठीक है, ये 60 डिग्री हुआ। ये 90 डिग्री अपने करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें बोला है 75, ठीक है, 60 डिग्री नहीं करेंगे अपने, 90 डिग्री को तो दिखाना पड़ेगा तभी तो वो डिवाइड होगा। इसके साथ में इसके अपने मिला देने से आपका एकदम 90 डिग्री हो गया। अभी ये 60 को नहीं करके ये दोनों के बीच में हम देखिए ठीक से, ये दोनों के बीच में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 75 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहां से एक छोटा सा कोई भी मेजर ले लीजिए,
यहाँ एक मेजर ले लिया मैंने, अभी ये दोनों मेजर को काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, देखिए अभी ये हो गया आपका 75 डिग्री। ठीक है, आप ये अलग नहीं कर रहे हैं, जस्ट ये आपको लेना है। तो एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 75 डिग्री। यहां से 60 डिग्री प्लस 90 से, मैंने क्या बताया था 90 से अगर 60 को माइनस करते हैं 30 आता है ना, ये दोनों के बीच में 30 है, अगर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा ना, तो ये 15 आ गया, तो ये 60 प्लस 15 कितना हुआ 75 डिग्री ना, बस यही 75 डिग्री आ गया है। चलिए मेजर करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए एकदम 75 डिग्री, देखिए एकदम 75 डिग्री है ना। एबार अब बोला है क्या बताया है 105 डिग्री। अभी इसको 105 डिग्री करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए ये 120 है, 120 के साथ में अगर ये 90, ये 90 एंड ये 120 है ना, 90 एंड 120 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है 30 डिग्री, राइट 30 डिग्री। इसको 15 डिग्री अगर डिवाइड करेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा ना, ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो इसके बीच में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो 90 प्लस 15 कितना हुआ 105 ना। आप ऐसे करके भी कर सकते हैं और इजी प्रोसेस भी दिखा सकती हूँ मैं आपको, दोनों प्रोसेस करके बता देती हूँ। यहाँ पर हम छोटा सा एक तो लाइन सेगमेंट करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो जिसको जो समझ में आए, और ये एक हम प्रोटेक्टर के साथ में 105 डिग्री का एक 105 डिग्री का देखिए, खूब अच्छे से शांति दिमाग से करिएगा। ये 100 हुई, ये हुई 105, ठीक है, ये हुई 105, तो इसके साथ में इसको अपने मिला देंगे ना, तो ये 105 तो ऐसे हो गया है ना, ये हो गया 105। तो इसका माप जैसे मैंने 30 डिग्री का आपको दिखाया था, आप ऐसे करके भी 2-3 करके काट के फिर 105 कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, कोई टीचर इसको काटेगा नहीं। कोई भी एक मेजर लीजिए इसका, ठीक है, और इसको आप काटिए, हुआ, यही मेजर से आप यहां पर करेंगे, ठीक है। अभी इसके साथ में कितना डिफरेंस है वो लेके आपका ये 105 हो जाएगा, ठीक है। आप सबको ऐसे भी कर सकते हो, और मैंने जैसे आपको काट के बताया, काट के करेंगे तो आगे जाके आप 8, 9, 10 में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये मेजर से इसको हम यहां पर काट देते हैं, तो काट देने से क्या आता है, वन हंड्रेड एंड फाइव डिग्री। मिला देते हैं, ये आपका आ गया 105 डिग्री। एंगल एम एन ओ दे सकते हैं नाम, तो एंगल एम एन ओ इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। इसको भी मेजर करके आप देखिए, एकदम 105 होगा, इसमें कोई भी दो राह नहीं है जो नहीं मिलेगा।
ये देखिए ये आ गया आपका 100, ये 100, ये 105, ठीक है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है, वैसे ही आपको 135, 120 आप वैसे ही कर सकते हो, या आप इसमें प्रोटेक्टर के सहारे कर सकते हो। अभी फिर से एक लिया मैंने, इसमें बोला है 120, तो मुझे तो भाई वैसे करने से ज्यादा ऐसे में मजा आता है। 90 डिग्री अपने पहले बाहर कर लेते हैं, वैसे करने से क्या है ना कि चीटिंग चीटिंग फील आता है ना, इसीलिए ये ऐसे करने से आपका 100% सियोरिटी रहेगा कि आपका ये इतना ही डिग्री होगा, 1% भी आपका गलत नहीं होगा। तो आप ऐसे ही करिए, मैं तो ऐसे ही आपको सुझाव दूंगी। कुछ लोग वैसे भी इजीली तरीके से समझ जाते हैं, वो भी गलत नहीं होता है, बट वो भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। तो ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री के साथ में और कितना करने से ये 120 होगा बताइए, तो 30 डिग्री और करने से आपका 120 होगा। तो ये जो मेजर आ गया ना, तो ये तो ऐसे ही मैंने बताया, ये जो होता है 60 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 120, तो ये यहां पर तो आपको ऐसे ही 120 डिग्री आ गया, ये तो और भी इजी है ना। देखिए इसके साथ में आप कर लिए तो आपका ये हो गया 120 डिग्री। प्रोटेक्टर्स के साथ में आप नाप के देख सकते हैं, ये 120 डिग्री एक्स वाई जेड, तो यहां लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट में बोला है 135 डिग्री, तो 135 को भी आपको ऐसे ही करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक अगर आपने कर लिया तो आप सब कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 120 जैसे करते हैं, 120 के साथ में और कितना करने से आपका 120 है, तो 130 करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 15 है ना, 15 डिग्री और करना पड़ेगा बस। तो ये पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं, उसके बाद में ये एक मेजर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये 60 हुआ, ये 120 हुआ, अपने को क्या बोला है 135, तो पहले 120 और ये 90 है ना, ये 90 पहले कर लेते हैं। 90 इसलिए करती हूँ मैं, करने का जरूरत नहीं है बट करती हूँ इसलिए हूँ क्योंकि आपको बहुत इजी हो जाता है ये समझने में। ये 120 है, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। अभी ये दोनों के 90 और इसके देखिए 90 और 120 के साथ माइनस करते हैं तो कितना 30 डिग्री बचता है ना, तो मतलब ये क्या है, ये दोनों के बीच में ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री को अगर हम छुट्टा करके एक डिवाइड करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका 135 डिग्री। तो ये हम छोटा सा करके एक मेजर लेते हैं, ये एक मेजर लिया, ये एक मेजर लिया, ठीक है, और इसको इसके साथ काटते हैं एंड इसको इसके साथ काटते हैं, तो जहां कट जाता है बस आपका ये पॉइंट हो जाता है 135 डिग्री का, ठीक है। तो ये आ जाता है सिर्फ ये जो है, नाम देती हूं ए बी एंड सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 135 डिग्री, ये वाला, सिर्फ ये वाला जो है 135 डिग्री। आप पेंसिल से करेंगे तो ये आप इसको रब भी कर सकते हैं ना, सिर्फ ये आप 135 को रख सकते हैं, ठीक है। मैंने पेन से किया है तो मैं इसको रब नहीं कर पाऊंगी। और 150 के लिए अपने को क्या करना है, सेम यही करना है, 150 के साथ में ये 120 है, जब
ये 135 के लिए आपको करके बताती हूँ। आप पहले छोटा सा 135 का यहाँ भी कर सकते हैं, आपके लिए इजी होगा। मैं हर बार बता रही हूँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बस आपका कैलकुलेशन चाहिए। मैं इसको डी के सहारे आपको करके दिखाती हूँ 135 डिग्री, ठीक है। तो ये 135 डिग्री आप मेजर करेंगे, यहाँ नहीं आ रहा है 135 डिग्री, ये आ गया, ये 130। आप थोड़ा सा जगह लेके करिएगा, मेरा वो हो गया, लेकिन फिर भी आ रहा है ये 135 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 135। तो वैसे ही इधर पर भी करना है आपको, या आप वैसे काट के भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, वो आप अपना कैलकुलेशन करके जैसे करेंगे वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक मेजर लिया, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये हुआ, ये वही मेजर से आप इसको यहां कर दीजिए। अभी इसके साथ में ये मेजर ले लीजिए, ये वाला, ठीक है। एकदम ये मेजर को देखिए, ये मेजर को देखिए, और यहां पर इसके साथ में आप काट दीजिए, बस एकदम सिंपल। ये आपका आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। मेरा जगह नहीं है, आप थोड़ा और लंबा भी कर सकते हैं, ये 135 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू, एंगल ए बी सी इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही कर सकते हो, ये और मैं नहीं बता रही हूँ, 35 हो गया, 150 भी आप ऐसे ही कर सकते हो, 15 में भी आप ऐसे भी कर सकते हो, और काट के भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले का बताया आपको, ठीक है। देखिए जैसे ये काट काट के आप मेजर कर सकते हो, और आप कर सकते हो, जैसे ये हुआ 120, और 20 डिग्री करने से यहां पर हो जाएगा आपको 150, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही करके 150 करके आप यहां से मेजर करके कर सकते हो, कोई काटेगा नहीं, दोनों तरीके से राइट होगा। तो दोस्तों यही मैं आपका खत्म करती हूं, अगले नेक्स्ट वीडियो आपका मैं करके बताऊंगी 5 नंबर एंड 6 नंबर एंड नेक्स्ट 8 नंबर चैप्टर पॉइंट ए, ओके। तो जो कोई भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, और बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरा पहला वीडियो जैसे ही अपलोड होता है कोई भी वीडियो, तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करें बटन और कमेंट्स जरूर करें, आपको जो पसंद आता है, या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो वो आप कर सकते हैं क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर से जरूर आंसर दूंगी। टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।